हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में मैं रिप्लाई देने वाली हूँ आप लोगों के कमेंट्स का। मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स को लिया है जो सबकी सिचुएशंस के साथ रिलेट कर पाए, और मैंने देखा था कि हर तीसरा इंसान सेम क्वेश्चन कर रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको क्लैरिटी देने वाली हूँ। आप ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना, आप सबको अपने अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जो पहला कमेंट है वो है अंजू शर्मा जी का। उन्होंने लिखा है, हाय माही, आई फॉलो यू एंड मस्ट से दैट यू आर द बेस्ट वन टू कनेक्ट विद यू। बिफोर लिसनिंग यू आई वॉज, ये तो इनका थोड़ा सा अप्रिशिएशन, उससे आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, समटाइम्स आई फील लो। तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं समटाइम्स हम लो फील करते हैं। तो देखो, ये एक बहुत नॉर्मल थिंग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद आप खुद को एक मशीन की तरह ट्रीट मत करो। आप कोई रोबोट नहीं हो गए, आप इंसान ही हो, और इंसान को अप डाउन्स आते रहते हैं। कभी कभी आप लो भी हो जाते हो, हाई हो तो लो भी होते हैं, खुश है तो कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं। मुझे थोड़ा सा ये क्लैरिटी देनी है कि एलओए में आने के बाद हम खुद को रोबोट समझने लगते हैं, फोर्सफुली खुद को परफेक्ट समझने लगते हैं। तो समटाइम्स अगर आप लो फील करते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अपने आप को दोबारा से स्विच करके हम हाई पे ले जाएंगे। हाँ, शर्त यह है कि आपको ज़्यादा टाइम तक उसी वाइब्रेशन में रहना नहीं है। पहले हम तीन चार दिन ऐसे होते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आप 15-20 मिनट के लिए, एक घंटे के लिए भी लो हो गए, बाद में खुद फिर से कुछ ऐसा करेंगे जो हम अपने वाइब्रेशन को हाई कर ले। कभी कभी लो फील करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है रेन स्वामीन का, दीदी सब कुछ ठीक है, हेल्थ की हेल्थ कैसे ठीक होगी? मतलब मेरा हेडेक, आई पेन होता है, बहुत दर्द है, वो कैसे ठीक करेंगे? अच्छा, जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको मैं एक ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो है पानी को अफम करके पियो। जैसे कि थैंक यू सो मच मुझे एनर्जेटिक रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, कम्प्लीटली हील करने के लिए। खाने को अफम करके खाओ, और अपनी बॉडी को की जिम्मेदारी लेकर, अपनी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप लोग ho'oponopono प्रेयर कर सकते हो। बहुत इजीली आपकी हेल्थ का जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके आगे का क्वेश्चन है माही आई लव द, देखो यहाँ पे मेरा अप्रिशिएशन है सुरभि शाम का। टेक्निक देखो, अभी इन्होंने लिखा है, सेल्फ लव की सारी टेक्निक करने के बाद हम खुश रहते हैं, पर कहीं ना कहीं एक पर्सन जो बेहद नेगेटिव है आपके अराउंड रहता है, आप उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। कोई भी बदतमीजी से बोले, माँ बाप को गंदा बोले, यू कांट स्माइल, ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं कर सकते। हाउ टू अवॉइड दैट सिचुएशन, थैंक्स मैम। अब बहुत सारे लोगों को ना अपने आसपास के लोगों से ही प्रॉब्लम है। देखो, अगर कोई ऐसा इंसान है, मैं यहाँ पे समझ गया थी कि या तो पार्टनर का मैटर है या कोई भी हो सकता है। देखो, इस सिचुएशन में स्माइल तो हम नहीं कर सकते, और जब कोई आपको ज़्यादा अब्यूज़ करे, लव आप पॉजिटिव रहो, टॉक्सिक पॉजिटिव नहीं। आपको एक ही चीज़ में बोलना चाहूँगी, पॉजिटिव मतलब हाँ ठीक है, मतलब तुम छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो, सब ठीक है। लेकिन कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, कोई आपको फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको ज़्यादा ही कुछ अब्यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि आपको जो है, जैसे निगेटिव की हम जो सराउंडिंग से इफेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारा एक टेस्ट होता है कि जो तुम बोल रहे हो, आई एम रिलैक्स, आई एम दिस, क्या तुम सच में वैसे हो? और वो इंसान अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है जानबूझ के, या कुछ ऐसी गलतियां हैं, जो भी सिचुएशन है, व्हाटएवर जो भी है, आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर सकते हो एनर्जी लेवल पर। आप अगर ऐसा रिश्ता है जिसको आप अवॉइड, आपने जैसा लिखा कि अवॉइड नहीं कर सकते, आप सामने बैठ के उसको फॉरगिवनेस उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उससे माफी मांगो एनर्जी लेवल पर, क्योंकि कोई यहाँ पर कार्मिक रिलेशन नजर आता है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू हील एंजाइटी विद सेल्फ लव। सेल्फ लव से हम एंजाइटी को कैसे हील कर सकते हैं? सेल्फ लव से इजीली हमारी सोल हील होती है, तो एंजाइटी ऑटोमेटिक हील हो जाएगी। अब आपको एंजाइटी, जिन चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा परेशान होते हो, ज़्यादा चिंता होती है जिन चीज़ों को भी लेके, आपको सिर्फ एक सोल्यूशन, आपको सिर्फ एक अफर्मेशन अपने आप को डेली बोलना है, मेरे लिए इस ब्रह्मांड में सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, मैं जो भी मैं करती हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिल जाती है। क्योंकि हमें डर, चिंता तभी होती है जब हमें कहीं ना कहीं खुद पर विश्वास नहीं होता, या खुद की पावर पे विश्वास नहीं होता, या हम सोचते हैं कि यार होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो ये सेंटेंस जो है ना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, आपके डाउट्स को, आपकी जो भी एंजाइटी होती है, आप डेस्पेरेट होते हो, ये सेंटेंस उसके लिए इनफ है। उसके बाद है जी माही दी, हम जब नेगेटिव सोचते हैं तो सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, लाइक जॉब है, ऑफिस है, या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ हम
दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उनकी सुननी पड़ती है, कई बार हम नेगेटिव हो जाते हैं एंड हम वो जॉब के ऑफिस को किसी कारण छोड़ भी नहीं सकते। सेम रीजन है जो आपसे पहले कमेंट था। देखो, बाहर का एनवायरनमेंट नहीं बदलेगा आपके लिए, कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला है। आपकी जर्नी है, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आपको खुद इस सिचुएशन को हील करना पड़ेगा और इसके साथ डील करना पड़ेगा। आप जब अंदर से काम हो जाओगे ना, आपके आसपास का सारा एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक काम एंड रिलैक्स हो जाएगा। इसके लिए आप एक ही सेंटेंस बोल सकते हो सेल्फ टॉक में कि मैं हमेशा पॉजिटिव एंड हैप्पी लोगों से घिरी हुई होती हूँ। मेरे आसपास हमेशा पॉजिटिव एंड हैप्पी लोग रहते हैं क्योंकि मेरा ऑरा ही इतना पॉजिटिव है। फेक इट टिल यू मेक इट। उसके लिए अब एक और बात है कि ये बहुत बड़ा कमेंट है लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने कुछ सिस्टर मेरा आपसे एक सवाल है, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। बहुत बड़ा कमेंट है लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं पढ़ती हूँ। ये कमेंट है जी रूबी नागरा का। सिस्टर मेरा बस एक सवाल है, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, पहले अपने आप को हील करना, फिर सारी चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती हैं। थैंक यू, विश्वास है आप और अपने खुदा, प्लीज मेरे लिए भी दुआ करना। सेल्फ लव, खुद से प्यार करने से मिशन को भी मैं पार कर पाऊं। आई थिंक इन्होंने कमेंट नहीं किया, इन्होंने मुझसे ब्लेसिंग मांगी है और इन्होंने कुछ डाउट्स हैं इनको खुद के ऊपर कि शायद मैं अच्छे से नहीं कर पाई इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो पाया। देखो, ये जितने भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि शायद मैं अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाती हूँ, और इनको पहले तो मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं रूबी नागर आपको। देखो, जितने भी लोग खुद को जज करते हैं कि शायद मेरी टेक्निक में कोई कमी है या मैंने अच्छे से फॉलो नहीं किया, ये सबसे बड़ा अपने साथ चीट करना होता है। कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, फीलिंग इज द सीक्रेट। जब हमारे साथ कोई चीज़ नहीं हो रही होती है तो हम उसमें खुद को जज कर लेते हैं कि शायद मेरी कोई कमी रही होगी या कुछ भी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता, ये विश्वास आपको रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, समटाइम्स एज अ लाइक गाइड या मेंटोर, समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें अगर हो जाए जो एक नॉर्मल इंसान कर रहा है तो इसमें मैं खुद को क्रिटिसाइज करूँ, खुद को परेशान करूं या बहुत ज़्यादा उसके बारे में ओवरथिंक करूं कि तुम एक मेंटोर होते हुए ऐसा कैसे कर सकती हो। नहीं भाई, वहाँ पे मैं इंसान हूँ ना, मैं रोबोट थोड़ी ना हूँ, मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो जितने भी लोगों को ये डाउट आता है कि हम अपनी चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, वो एक ही चीज़ खुद को बोला करें, वो ये है कि तुम जो भी करती हो तुम्हें उसमें सक्सेस मिल जाती है। अब उसमें सही हो या गलत हो, आप बस हमेशा बोला करो मैं जो भी करती हूँ ना मुझे उसमें सक्सेस मिल जाती है, मेरा हर एक काम परफेक्ट होता है, दैट्स इट। ज़्यादा डाउट मत लिया करो, ऐसे नहीं लिखा वैसे लिखा होगा, वैसे किया होगा या ऐसा कुछ भी, ऐसा मत सोचा करो आप लोग। अब एक और हैं जी अन्नू वर्मा। माही दी, आपकी वीडियोस कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को दिखाने के लिए, आपके साथ की ज़रूरत है। आई एम ऑलवेज विद यू दी। मुझे आपकी वीडियो से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। 6 महीने पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुआ है, गॉड ब्लेस यू। उसके जाने के बाद बहुत अकेली सी थी लेकिन आपके वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत हिम्मत आई है। दी, मेरे 3 बच्चे हैं छोटी छोटी, मुझसे उससे संभालने हैं, कैसे लाऊं दी सेल्फ हीलिंग और मनी भी। देखो अंजू जी, अंजू दी, देखो पहली अन्नू दी सुनो, बात ऐसी है कि वो चले गए, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड है। बस आपको थोड़ा रिसीविंग मोड में लाना है। आपको ज़्यादा अगर आप ही सारा बर्डन ले लोगे कि मैं कैसे करूँगी या कुछ भी, तो फिर वो ऊपर बैठने वाला जो बैठा है वो क्या सोचेगा। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने बच्चों की तरफ देखा करो, उनसे बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरा, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना स्टार्ट करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को सुनो, क्योंकि अभी अगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही है ना कुछ करने की, आप सिर्फ सुनो, अच्छी चीज़ों को सुनो, बार 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 सबकॉन्शियस में जाने दो, और आप देखोगे कि आपको अंदर से ही एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ऐसी बात नहीं है। आपको ब्लेसिंग है, आप अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ भी देंगे, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाओगे। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि वो लाइफ में कुछ ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर एकदम टॉप पे। तो ये जो आपका अकेलापन है इसको अकेला मत समझो, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपने ऊपर काम करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, और सिर्फ अगर कुछ करने का मन नहीं करता तो अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, एटलीस्ट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे अच्छी अच्छी बातें करो, और देखोगे धीरे धीरे सब बदलना शुरू हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसलिए आप थोड़ा डाउन हो, बट मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही आप बहुत अच्छे से अपने आप को हील कर लोगे और आपकी सारी सिचुएशंस जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। आज अब एक और क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोगों के साथ रिलेट करेगा।
शशि वर्मा जी का क्वेश्चन है, डियर माही मेरा पहला क्वेश्चन है, आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, ओके, क्योंकि आज मैं अपने फ्रेंड को खो दिया, क्योंकि उसका होने वाला लाइफ पार्टनर उसे उसके दोस्तों से कोई और बाकी सभी से बात करने से मना करता है, मुझे भी और मुझे उसकी मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, ठीक है, मतलब समझ गए, एक पार्टनर है जो सबसे मना करते हैं, खासकर उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी, और आज रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत नीडी हो गई हूँ, शायद मेरा सेल्फ लव में ही कोई कमी रह गया, सेल्फ लव में कमी नहीं रह गया, एक जो आस्तीन का सांप पाला हुआ था वो निकल गया, वो कैसी फ्रेंड हुई जो एक पार्टनर के चलते आपसे दूर हो गई, आप खुश हो जाओ, एक इम्प्योर सोल, एक जो प्योर ही नहीं थी आपके लिए वो चली गई, अरे पागल, मतलब दोस्ती के लिए तो ना एक टाइप को मैं देखती हूँ, और ये रियल में डीप फीलिंग होती है, पार्टनर साइड में दोस्ती पहले होती है, ठीक है, तो इसमें आपके सेल्फ लव में कमी नहीं है, आप राइट पाथ पर थे इसलिए उसका असली रूप आपको दिखा है, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ से जाता है जिसको आपकी ज़रूरत नहीं, जो किसी और के लिए आपको छोड़ सकता है, तो उसका जाना ही बेहतर है, आप कोई नीडी नहीं हो, मैं समझ सकती हूँ कि फील होता है, हर्ट होता है कि यार दोस्त हो कैसा किया, बट खुश हो जाओ, अब वही आस्तीन का सांप बोलते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मैं दूसरों को दिल से माफ़ कैसे करूं, ट्राई तो किया पर मेरे बीच बीच में वो बातें हैं, इसलिए माफ़ कर दो क्योंकि वो आपका ही कर्मा है, आपका ही क्रिएशन है, आपका बोया हुआ बीज है जिसका फल आपको दिख रहा है, कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल, और जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी लाइफ से वो चला गया किसी और के लिए, भाई अच्छा हुआ चले गया, और आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में ना, आपको पता है लोग हमारा फिल्ट्रेशन होता है, जितने भी दोगले लोग होते हैं, जितने भी फेक लोग होते हैं, सब निकल जाते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उसके बाद है नेहा कुमारी का क्वेश्चन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन जरूरी है, अगर जरूरी है तो इतने रेजिस्टेंस क्यों आते हैं, ओके जी, एक्शन लेने में और मेडिटेशन के बाद भी नेगेटिव थॉट्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन लेना जरूरी है, रेजिस्टेंस इसलिए आते हैं क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हो रखी है कि आप नहीं कर सकते, जैसे कि आपको पॉजिटिव रहना है लेकिन आप सालों से नेगेटिव थे, जब आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो तो सबकॉन्शियस की वही प्रोग्रामिंग आपको रोक देती है, और इसके लिए क्या जरूरी है, रिपीटेशन एंड कंसिस्टेंसी। दूसरा क्वेश्चन, मेडिटेशन के बाद भी नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं, मेडिटेशन में आप लोग थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जबरदस्ती पॉजिटिव सोच लाने की कोशिश करते हो, या फिर थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इसलिए नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए कभी भी। आप बोलते हो किसी भी टेक्निक को, मैंने तो कभी नहीं बोला, आज तक लेट गो के लिए नहीं बोला, भाई आप बोलते हो किसी भी टेक्निक को 21 डेज फॉलो करो फिर लेट गो कर दो, आप मुझे किसी भी वीडियो में बता दो मैंने आज तक लेट गो नहीं बोला, और आज तक कभी नहीं बोला कि 21 डेज करके लेट गो कर दो, ये आपकी बात गलत है, मेरी ऑडियंस जानती है मैं लेट गो के कॉन्सेप्ट में बिलीव करती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो इंसान का डिजायर है उसको कैसे लेट गो करेगा, अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेट इट गो करने की जगह उस फीलिंग को जियो, तो ये आपकी गलत बात है, कहीं और सुना होगा आप मेरी वीडियो पे लिख रहे हो, बट रियली मैं तो टेक्निक के बाद लेट गो होती नहीं, माइंड में ज्यादा घूमती रहती है, वो होगा भी नहीं, और टेक्निक भी नहीं बताती, कोई भी टेक्निक में बताती भी नहीं हूँ, कितना भी बिजी रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के बाद पूजा पाठ करनी चाहिए, मुझे तो बहुत ज्यादा लगता है पूजा पाठ ही करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद देखो कितने सारे डाउट्स हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूजा पाठ से कब रोकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपको डिवाइन पाथ पे ज्यादा लेके चला जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कभी मना नहीं करता, मत करो, रात दिन बैठे रहो, ये फीलिंग्स का खेल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसा बर्डन नहीं है आपके सर पे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं कभी लेट गो के लिए नहीं बोलती, ओवर थिंकिंग कम नहीं हो रही, सेल्फ लव करता हूँ ज्यादा नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते हैं, सेल्फ लव करने के बाद सिंग बॉय सेल्फ लव करने के बाद खुद से परफेक्शन का एक्सपेक्टेशन रखते हो कि अब मैंने सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया, अब मुझे नेगेटिव थॉट्स आ ही नहीं सकते, इसलिए ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। मुझे समझ नहीं आता इंसान जो है एलोई की जर्नी में आने के बाद खुद को इतना परफेक्ट क्यों समझने लगता है, परफेक्ट समझना और परफेक्ट होने के लिए खुद को फोर्स करना बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में, तो इसलिए ज़्यादा मत सोचो, कभी कभी आते हैं, जाने दो, स्विच करेंगे माइंड को। उसके बाद है जी, मैम जब हम सेल्फ लव मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं हम उसमें वो बोलते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो क्या हमें इसे शुरू करने से पहले हम जो चाहिए वो होता है वो मांगना होता है क्या, भगवान जी से प्लीज बताएं। पूजा शर्मा, देखो ऐसा है मेडिटेशन सेल्फ के लिए करते हैं हम, उसमें कुछ मांगना नहीं होता, ना हम उसमें कुछ मांगते हैं, मेरे सेल्फ लव मेडिटेशन में तो कुछ मांगना ही नहीं है, हम सिर्फ अपनी सोल को हील करते हैं,
तो उसको आप बस अपने सेल्फ के लिए सुन सकते हो। बाकी रही बात, और हम सेल्फ को इसीलिए हील कर रहे हैं ताकि जो हमारे मैनिफेस्टेशन है वो हमारे क्लोज आ जाएं। सेल्फ लव सीरीज कैसे स्टार्ट करें, मोहिनी सैनी, क्या सेल्फ लव सीरीज से हमारे पेरेंट्स और पार्टनर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकती है? देखो मोहिनी, पहले खुद को ठीक कर लो, बाद में दूसरों की जिम्मेदारी लेना। क्योंकि अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मैंने सेल्फ को हील किया था, लेकिन उसी सेल्फ ने ना सिर्फ मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया, मेरे भाई को और मम्मी पापा के काम में ऑटोमेटिक ग्रोथ हुई, क्योंकि मैं हैप्पी रही हूं और आसपास के लिए मैं बोलती थी मेरे चारों तरफ अबंडेंस है और मैं सेल्फ लव सीरीज करना चाहती हूँ, बट मुझे नहीं पता कहाँ से करूँ, कैसे करना है। देखो ऐसा है मोहिनी, पार्ट वन से सेल्फ लव सीरीज है, सेल्फ लव की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाओ, सेल्फ लव सीरीज आपको दिख जाएगी, वहीं से पार्ट वन से शुरू कर दो और जितने भी पार्ट्स मैंने दिए हुए हैं वो सारे करो। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक किसी ने स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड छेड़ दिया, मैम आपको कब डिक्लेरेशन हुई थी आपने फ्यूचर के बारे में? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम यही है कि लाइफ में कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, करना है, और जब कॉन्ट्रास्ट आता तो मैं लो पावर में मोड में आ गई हूँ। भाई कभी भी कर दो, जब जागो तभी सवेरा, यही जिंदगी का रूल है। जब चाहो, जब आपको अवेकनिंग हो तभी अपने लिए डिक्लेयर कर दो, और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है उसमें। पता ही नहीं है क्या करना है जिंदगी में, कौन से करियर में जाना है, कौन सी ड्रीम कार है, कैसा घर, नहीं पता, तब एकदम मेक श्योर होकर डिक्लेयर कर दो। और कभी कभी लो मूड में जाना, जब कॉन्ट्रास्ट आते हैं, कॉन्ट्रास्ट आपको कुछ देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं, इसलिए उसमें लो फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। डिक्लेरेशन के एक बार ही लिख के छोड़ती हूँ, और मेरे हमेशा का रोल है, 2022 के पूरे साल के डिक्लेरेशन करके छोड़े थे, और मैं कह सकती हूँ कि 90% मेरे कंप्लीट हुए, और मैं एक ही बार करती हूँ, मंथ में एक बार करती हूँ, साल में एक बार करती हूँ, मैं बार बार नहीं करती हूँ। अब एक और है लास्ट, शिव धुन के नाम से, बेटा मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, मेरे फादर इन लोग पूरी फैमिली की एनर्जी ड्रेन करते हैं, कोई फेस्टिवल भी हम नहीं मना पाते, चार बेटी हैं, मेरी दो बेटी कॉलेज में, बहुत स्ट्रेस होता है, पॉजिटिव रहना चाहते हैं पर नहीं रह पाते, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं मैं, मेरे पापा के बहुत फ्रीडम थे। देखो यहाँ पे आप अपनी फ्रीडम के लिए बोल सकते हो, आई लव माई फ्रीडम टू लिव माई लाइफ एज माई ओन स्पाइल, या फिर आप अपनी फ्रीडम के लिए सोच सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि आप सब लोग हैप्पीली बाहर घूम रहे हो, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हो। देखो ऐसा है, फादर इन लॉ तो सिर्फ एक बाहर का वो कॉन्ट्रास्ट है आपकी लाइफ में, जो आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहो, उन्हीं से डील करना है ना, उनको ब्लेसिंग्स दिया करो, उनके बारे में कुछ पॉजिटिव लिख दिया करो कभी कभी, और डेली लिखो तो बहुत अच्छा है। बाकी आपको उन पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है कि मुझे अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार है, उस फ्रीडम से जिसमें मैं जो चाहे कर सकती हूँ, जो चाहे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया भाई इतने से कमेंट्स में, अब जिन लोगों के नहीं लिए वो रिलेट कर लेना, और आई होप कि सबको क्लैरिटी मिली होगी सेल्फ लव से रिलेटेड। फीलिंग नहीं आती उसका भी मैंने रीज़न बता दिया कि भाई ऐसा है, कब समटाइम्स लो फील करना, इट्स नॉर्मल थिंग, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसी के साथ हमारा संडे को परसों काउंसलिंग सेशन रहेगा, जिसमें 15 लोगों को मैं लेने वाली हूँ, 1x1 सबसे मैं उनकी प्रॉब्लम सुन के सोल्यूशन देने वाली हूँ, जिनको बहुत अर्जेंट नीड है सिर्फ वो लोग ज्वाइन करना। और 1 बजे से रहेगा संडे को, परसों आफ्टरनून में सब फ्री होते हैं, दैट्स वाई। और आप डिटेल्स टीम से ले सकते हो जिसको भी अर्जेंट नीड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 15 के बाद नहीं, अगर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, आप लोग बहुत अच्छे से इसमें वो करते हो, तो फिर ऐसे सेशंस मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में लाती रहूंगी। टेक केयर एवरीवन, हैव अ मैजिकल डे, बाय बाय।